नमस्कार मदन मणि जी। जी नमस्कार सर। मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। जी जी सर। आप तो बनारस में पढ़े हैं? जी मैं बनारस में पढ़ा हूँ सर। आपका मेडिकल एजुकेशन वहीं हुआ? जी जी तो जब आप बनारस में थे तब का बनारस और आज बदला हुआ बनारस कभी देखने गए कि नहीं गए? जी प्रधानमंत्री जी, मैं जा नहीं पाया हूँ जब से मैं वापस सिक्किम आया हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि काफी बदल गया है। तो कितने साल हो गए आपको बनारस छोड़े? बनारस 2006 से छोड़ा हुआ हूँ। ओ, फिर तो आपको जरूर जाना चाहिए। जी जी अच्छा, मैंने फोन तो इसलिए किया कि आप सिक्किम के अंदर दूर सुदूर पहाड़ों में रह करके वहाँ के लोगों को टेली कंसल्टेशन का बहुत बड़ी सेवाएं दे रहे हैं। जी मैं मन की बात के श्रोताओं को आपका अनुभव सुनाना चाहता हूँ। जी जरा मुझे बताइए कैसा अनुभव रहा है? अनुभव बहुत बढ़िया रहा प्रधानमंत्री जी। क्या है कि सिक्किम में बहुत नजदीक का जो PHC है, वहां जाने के लिए भी लोगों को गाड़ी में चढ़ के कम 100-200 रुपया लेके जाना पड़ता है, और डॉक्टर मिले नहीं मिले ये भी एक प्रॉब्लम है। तो टेलीकंसल्टेशन के माध्यम से लोग हम लोग से सीधे जुड़ जाते हैं, दूर दराज के लोग। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के जो CHO होते हैं वो लोग हम लोग से कनेक्ट करवा देते हैं, और हम लोग का जो पुराने उनके बीमारी है उनकी रिपोर्ट्स, उनका अभी का प्रेजेंट कंडीशन, सारी चीजें हम लोग को वो बता देते हैं। यानी डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करते हैं? जी जी डॉक्यूमेंट ट्रांसफर भी करते हैं, और अगर ट्रांसफर नहीं कर सके तो वो पढ़ के हम लोग को बताते हैं। वहाँ का वेलनेस सेंटर का डॉक्टर बताता है? जी, वेलनेस सेंटर में जो CHO रहता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। और जो पेशेंट है वो अपनी कठिनाइयां आपको सीधी बताता है? जी, पेशेंट भी कठिनाई हमको बताता है, फिर पुराने रिकॉर्ड्स देख के, फिर अगर कोई नई चीजें हम लोग को जानना है, जैसे किसी का चेस्ट ऑस्कल्टेट करना है, अगर उसको पैर सूजा है कि नहीं, अगर CHO ने नहीं देखा है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि जाके देखो सूजन है नहीं है, आंख देखो एनीमिया है कि नहीं है, उसका अगर खांसी है तो चेस्ट को ऑस्कल्टेट करो और पता करो।